हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित शर्मा और स्वागत है आपका नेचुरल बॉडी एस्थेटिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे घर पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। आपका एक क्लिक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर देना। और अगर आपको इसी तरह की टी शर्ट्स परचेज करनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर रोज नए नए लेटेस्ट अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो अब करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि शोल्डर में तीन हेड होते हैं। सबसे जो पहला हेड होता है हमारा, वो होता है ये वाला फ्रंट हेड, उसके बाद हमारा ये मिडल हेड होता है और उसके बाद हमारा पीछे ये रियर हेड होता है। तो हम ये तीनों हेड्स को ट्रेन करेंगे जब हम शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। सो हम करते हैं अब स्टार्ट अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर्स की घर। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है अराउंड द वर्ल्ड रेजिस। ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइज होगी शोल्डर्स के लिए। इस एक्सरसाइज से हमारे जो शोल्डर्स हैं वो पूरे वार्म हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आपने आपको हैंड्स को इस तरह से ऊपर लेना और फिर आपको आगे से ऐसे लेना, इस तरह से ऊपर, फिर आपको आगे, इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इससे आपके शोल्डर्स पूरे वार्म हो जाएंगे। उसके बाद अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेसेस और उसमें हम ब्रिक का यूज करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ये परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको अपने हैंड्स यहाँ रखने हैं, उसके बाद आपको ऊपर लेके जाने हैं और आपको वापस नीचे लेके आने हैं, फिर दोबारा ऊपर, फिर वापस नीचे, फिर दोबारा ऊपर, फिर वापस नीचे। इसी तरह से आपको फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है शोल्डर प्रेसेस। हमारी शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज है शोल्डर फ्रंट रेजिस। इसमें आपको अपने हैंड्स इस तरह से रखने अंदर की तरफ और आपको फिर एक बार ऊपर ली, फिर आपको दूसरी ऊपर ली, एक रेपिटेशन होगी, उसके बाद दोबारा, ये दो रेपिटेशन होगी, फिर दोबारा तीन रेपिटेशन होगी। और जो आपकी ये ब्रिक्स है आपको इसमें लेग्स के साथ टच नहीं करनी है, आपको थोड़ी बाहर ही रखनी है और फिर आपको परफॉर्म करनी है। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है शोल्डर साइड रेजिस। इसमें आपको अपने ब्रिक्स को इस तरह से रखना है और आपको ये लेग्स टच नहीं करनी है, थोड़ी आपको बाहर ही रखनी है और फिर आपको इस तरह से परफॉर्म करना है। हमारी ये फोर्थ एक्सरसाइज है प्लैंक अप्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं उसको आपको इस तरह से रिट्रैक्ट करना है जब आप प्लैंक अप्स परफॉर्म कर रहे हो। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है ट्रैप्स के लिए और इसमें हम श्रक्स करेंगे। इसमें आपको करना है, आपको सिंपल स्ट्रेट हाथ रखनी है, आपको अपने हैंड्स का जोर नहीं लगाना है, आपको सिंपली शोल्डर अपने ऐसे ऊपर लेने शोल्डर से और वापस नीचे, सिंपली ऊपर, फिर वापस नीचे, सिंपली ऊपर, वापस नीचे। फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बी हेल्दी एंड डोंट डू ड्रग्स।